अक्तूबर लड़ियाली बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है महंगाई के खिलाफ और बिजली जो बिल टैक्स लगे नजायज टैक्स उसने खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाज है। अवामी अक्षी कमेटी और अजमता जरानी तनजीम उन्होंने कार शटर डाउन नहीं और पे जाम हड़ताल नहीं अज तक बाजार क्या सिचुएशन है और कॉल कुछ तक उन्होंने कमयाब हुई है अजमता जरान नहीं तो अच्छो जुलने बाजार सबसे पहले मैं काफी देर से सुन रहा हूँ तमाम भाइयों से गुजारिश है कि ये गिले शिकवे छोड़ दें। आप अगर हक पे हैं तो बादल आपके मुकाबले में आएगा। आप क्यों चाहते हैं कि कुछ दिन लोग आपकी सभा में आए
जो बुजदिले और नेकदारे बहन है क्यों बार बार गिले करते हैं? जो आपके साथ है ये साथ रहे कि आपके साथ और आप काम कर रहे हैं दो महीने से और दलेरी से कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप कामयाबी हासिल करेंगे। मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, दो तीन महीने से ये प्रोसेस चल रहा है, ये कुके पहले नहीं है, इन्हें समझ आए, सिर्फ इनके याचियां बंद होने का खतरा है, इसलिए ये कोई इकदाम नहीं उठा रहे। मुझे बड़ी शर्म आई वजीर आजम पाकिस्तान का बयान सुन के, जब उन्होंने कहा कि हम जो है बिजली के बिलों में जो है टैक्स खत्म करेंगे, लेकिन पहले हम IMF से पूछेंगे। अल्लाह, देखिए कि हमारा मुल्क का निजाम कौन चला रहा है? IMF चला रहा है। हम बिजली की यूनिट में 2 रुपए कमी नहीं कर सकते हम IMF की इजाजत के बगैर। सिर्फ ये मैं कहता हूँ आप बिजली के बिल और बढ़ा दे, और बढ़ा दे, आप टैक्स और लगा दे, मुझे मंजूर है, लेकिन आप अपने यशी बंद करें ना। आप करोड़ों रुपए की गाड़ियां चलाए, आप खनसामे रखे, आप ड्राइवर रखे, आप पिंछड़े ले और करोड़ों रुपए जो आपका बैंक बैलेंस भरे, और जो जिन लोगों से आप टैक्स देते हैं उन मैं एक तालीमी इदारे के साथ भी काम करता हूँ, लोग मजबूर हैं, लोग मजबूर होकर बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, जिसकी 25,000 रुपया तनख्वाह है, जिसकी 25,000 रुपया महीना की कमाई है, वो 15,000 रुपया बिल दे बिजली का, 20,000 रुपया बिल दे, और फिर अपने बच्चे कैसे वो स्कूल भेजे, लोग मजबूर हो गए। मैं कहता हूँ ज्यादा टैक्स लगाओ, लेकिन लोगों को जो टैक्स में लोगों को दो, अपनी अयाशियां करो, अपने लिए करोड़ों रुपए हर साल तो आप नहीं तो गाड़ी सकते हो, और जो आप है, अब मैं कहता हूँ इनकी पिंशनें लगी हुई है, जो असेंबली से बाहर निकलता है 2-3 लाख रुपया पिंशन है, वो क्या लंबिया मारते उधर? मेरे भाई ने पिछले बात किया सऊदी अरब की, इंग्लैंड की, बात किया मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं इनकी पिंशन लगती है ना, आप असेंबली में जाके क्या करते हैं? रबिया मारते हैं, करोड़ों रुपए उधर से लेते हैं, गाड़ी जो जो बैठे हुए घरों में वजीर आजम था कभी उसकी उसकी हर साल बाद नई गाड़ी आ जाती है 5 करोड़ रुपए की, क्यों आ जाती है? मैं ये कहता हूँ मेरा शुरू से मुतमा नजर ये है, मैं कहता हूँ लगाओ और टैक्स, लेकिन गरीबों में खर्च करो, ये गरीब के बच्चों में खर्च करो। ये स्कूल देखा आपने, हाई स्कूल 600 से 600 बच्चे जो है, 600 बच्चे की जान जो है जोगों पे पड़ी हुई है, उसका चिमट नहीं है, उसके सारे तो सारी नदी है, उसके लेटर गिरने वाले हैं, उसकी दीवारें गिरने वाली है, इन्हें शर्म नहीं आती जो टैक्स देते हैं खर्च करेगा उसको, आप अस्पताल चले जाए एक गोली नहीं मिलती आपको एस्पिरिन की, क्यों टैक्स लगाते हो तो गरीब आवाम पे खर्च करो। इसलिए मैं मेरी दोस्तों से गुजारिश है आपस में इत्तेफाक के साथ रखें और बुजदिलों को जो है अपने अपने इधर सबों में ना गुजरे दे, इंशाल्लाह कामयाबी होगी, आप कामयाबी से अमकार। Thank you.
नारा मारने पता लगे ना उन्हीं कश्मीरी बाहर निकले।